अगर आप अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे पहले गैस लेते वक्त उसकी लीकेज चेक कर लें और उसके बाद किचन में भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते वक्त लीकेज देख लें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। ये सावधानी जरूरी है, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। सावधानी ना बरतने का अंजाम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के एक परिवार को भुगतना पड़ा है, जहां सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई और परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। लीकेज हो रही थी पहले से, आग लग गई। आग लगने के बाद छोटे आई लड़की ने गैस सिलेंडर देर से बंद करनी चाहिए, तो आग ज्यादा पकड़ ली, वो उन्हीं को बंद आग बुझाने के चक्कर में लगे रहे और तीनों रह गए। पड़ोसियों का भी कहना है कि गैस लीकेज की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई चेक करने नहीं आता। 15-20 दिन से हम आपको इससे पहले भी कई लोगों को मिलवा चुके हैं, और सर हमें जो है एचपी का ऐसा सिलेंडर है जिसको हमें लेने के लिए 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है। ना तो वो घर पे छोड़कर आते हैं, ना वो चेकिंग में आते हैं, और अभी लास्ट टाइम सर वो गैस हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी है, उन्होंने यही कहा अगर आपको हमारी कंपनी का सिलेंडर पसंद नहीं है इसको चेंज कर दो अपना, जिसको पसंद है वो लो, जिसको पसंद है वो मत। पहली बार घर में आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, वैसे ही तेज घुटन के चलते एक फायर कर्मी भी बेहोश हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके अंदर 3 बॉडी थी और वो निकालते वक्त बहुत ज्यादा हीट होने के कारण मुझे चक्कर आए और दम सक गए। फिर हमारे उस्ताद जी हमें हॉस्पिटल में लिया। आज के दौर में इंसान जल्दी काम करने के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ कर रहा है। जरूरत के सामानों के साथ सावधानी और समझदारी से काम लेना जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे को बुलावा दे सकती है। इस घटना के बाद सबक लें और हर रोज इस्तेमाल से पहले सिलेंडर चेक करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।